दोस्तों सीएसके की फाइनल में अब 3 दिन 2 मैच फाइनल में होगी बारिश, नया कार्यक्रम जारी, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं चेन्नई सुपर किंग टीम के फैन और चाहते हैं कि आईपीएल 2023 की ट्रॉफी सीएसके जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बताएं कि आईपीएल 2023 के क्वालिफायर मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है। जायंट्स का पहला मुकाबला चेन्नई और गुजरात के बीच खेला गया था, तो इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने गुजरात को 15 रनों से हराकर अपनी फाइनल में जगह पक्की कर ली है। लेकिन अब ऐसे में एलिमिनेटर मुकाबला जो कि 24 मई को आज खेला जाएगा, तो ऐसे में ये मुकाबला लखनऊ और मुंबई के बीच खेला जाने वाला है और इसमें से जो टीम जीतेगी वो 26 मई को गुजरात से अहमदाबाद किसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ने वाली है। फिर इसके बाद जो कि फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो 28 मई को सीएसके के साथ खेला जाने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दे अब इन मुकाबलों को लेकर बारिश दोस्तों बीच में आ चुकी है। जी हाँ, क्योंकि मौसम की आपको बता दे कि ऐसा माना जा रहा है कि इन मैच में बारिश की संभावना पूर्ण रूप से बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आपको बता दे ये भी माना जा रहा है कि क्या अगर बारिश होती है तो मुकाबले कैंसिल होंगे या डेट चेंज हो गए। जी नहीं, आपको बता दे कि अगर मान लीजिए जैसे कि आज लखनऊ और मुंबई का मुकाबला है और ऐसे में अगर आज बारिश हो जाती है तो ऐसे में अगर बीच में बारिश रुक जाएगी तो ये मुकाबला 10 या 5-5 ओवर का भी खेला जा सकता है और इसमें से जो टीम जीतेगी वो आपको बता दे फिर गुजरात के साथ खेलेगी। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है, बारिश फिर भी होती है, तो आपको बता दे कि ऐसा माना जा रहा है कि ये मुकाबला जिसमें जैसे कि लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में ऊपर है और मुंबई की टीम पीछे, तो मान लीजिए कि फिर इसके बाद लखनऊ का मुकाबला सीधा गुजरात से हो जाएगा। जी हां, यानी कि अगर मुकाबला नहीं होता है बारिश के कारण तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर देखा जाए जहां पे इसके बाद मान लीजिए अगर लखनऊ की टीम जीत गई तो अगर गुजरात का होता है तो ऐसे में फिर बारिश होती है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात की टीम का फाइनल मुकाबला यानी कि सीएसके और गुजरात के बीच खेला जा सकता है। तो आपकी क्या राय इस बारे में और आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2023 की ट्रॉफी कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत